एलपी सवाणी एकेडमीना दक्ष भंडारीए बीएसटी एकाउंट अने मेट्स में 100 માંથી 100 गुण प्राप्त कर्या छे। करणदीप गीर अने अरमन जैन अने मुकुंद कनोडियाए बीएसटी विषय में 100 गुण अने मोहित तिलवाणीए एकाउंट विषय में 100 માંથી 100 गुण प्राप्त कर्या छे। स्नेहा राठी, प्रीशा गुप्ता, मोहित दिलवाड़ी अने आयुषी कटोदे 100 માંથી 100 गुण मेट्स ईपी में प्राप्त कर्या छे। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर एलन सिंह है और मैं रेडिएंट इंग्लिश एकेडमी पिपलोद का प्रिंसिपल हूँ। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज जो है बहुत दिनों के बाद 12वीं का रिजल्ट घोषित हुए हैं आज। और अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है मुझे कहने में कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल का जो रिजल्ट है वो 100% आया है। सभी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा जो रिजल्ट है वो इस बार बहुत अच्छा आया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सूरत के टॉप 3 स्कूल्स के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें हमारे स्कूल का रिजल्ट है। सर, इतना अच्छा रिजल्ट हम किस तरह से ले सकते हैं? आप किस तरह से बच्चों को तैयारी यहाँ पर करवाते हैं जिससे हम इतना अच्छा रिजल्ट पा सके? सर, रिजल्ट जो होता है इसमें तीन चार कड़ियां होती है। एक तो स्टूडेंट, दूसरा किस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, तीसरा स्टूडेंट्स के पेरेंट्स। ये सभी का जो एक मिलन जब होता है तो ही बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हमारे जो पीपी सवानी ग्रुप के अंडर में रेडिएंट इंग्लिश एकेडमी आती है और पीपी सवानी ग्रुप सूरत के बाहर पूरे गुजरात में सभी लोग जानते हैं कि रिजल्ट्स के लिए ही पीपी सवानी ग्रुप जाना जाता है। और हमारा जो हमारे ग्रुप के चेयरमैन है श्री वल्लभ भाई सवानी, सेक्रेटरी हैं हमारे स्कूल के श्री महेश भाई सवानी, और उनके जो थर्ड जनरेशन है जो अभी स्कूल के ट्रस्टी हैं श्री मितुल भाई सवानी। हमारा सभी का एक ही फोकस है कि किसी भी तरह से जो है बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट और बेहतरीन से बेहतरीन बोर्ड में रिजल्ट्स आए। सर, जो बच्चे लास्ट अभी नेक्स्ट ईयर 12th और 10th की एग्जाम देने जाएंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इस साल से जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई है और 10वीं और 12वीं में 10th और 12th में जो है जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसमें चेंजेस आ गए हैं। और वो जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसमें अब अधिक क्वेश्चन जो आएंगे वो एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन के बेस्ड के ऊपर आएंगे। यानी कि पहले जो होता था कि चलो हम एग्जाम के ठीक एक मंथ पहले पढ़ लें और जो है एग्जाम में लिख देना है, अब वो उससे उसमें नहीं चलने वाली है अब। और इसलिए बच्चे को हर एक चीज जो है वो शुरू से ही समझना पड़ेगा। जो भी बच्चा शुरू से पहले दिन से मेहनत करके रेगुलर पढ़ाई करेगा उन्हीं बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दर्शक मित्रों, अत्यारे आपणे उमरा खाते रेडिएंट इंग्लिश एकेडमी में आपणे उपस्थित छे। आपणी साथे तेमना ट्रस्टी મિતુલભાઈ સવાણી છે। મિતુલભાઈ, આજે જયારે સીબીએસઈ નું રિઝલ્ટ આવ્યું છે 12th કોમર્સ અને સાયન્સ નું, આપની શાળાનું શું રિઝલ્ટ છે તે વિશે કહો। આપણી શાળામાં 47A1 ગ્રેડ આવ્યા છે અને 100% રિઝલ્ટ છે અને 80% અબાઉ 119 સ્ટુડન્ટ છે। અમારા હાઈએસ્ટ પરમ પાઠક છે 97.20% સાયન્સમાં અને કોમર્સમાં હાઈએસ્ટ છે 98.20। અને બસ આ છોકરાઓનું ડેડિકેશન છે ને છોકરાઓની મહેનત છે, એમના પેરેન્ટ્સનો સપોર્ટ છે, એમના પેરેન્ટ્સની મહેનત છે અને ટીચર્સની મહેનત છે, અને આ ત્રણેય જ્યારે મળે ત્યારે રિઝલ્ટ્સ પ્રોડ્યુસ થાય। અને I congratulate all the students for this and I hope they do well in their lives. તો આપણે છોકરાઓને કયા પ્રકારની શિક્ષણ પદ્ધતિથી અહીંયા તૈયાર કરતા હોય છે જેને કારણે આપણે આટલું સારું રિઝલ્ટ મેળવી શક્યા છીએ? સો આપણે સાયન્સનું જોઈએ તો સાયન્સમાં આપણે CFE ચાલે, જેમાં JEE નીટનું પ્રિપેરેશન થાય, એમાં ઊંચા લેવલના ટીચર્સ હોય, IITian ટીચર્સ હોય, જે એવી રીતે એમને પ્રિપેર કરે જેના લીધે એમનું બોજ ઇઝી થઈ જાય। અને આઈ ફીલ આ ટીચર્સનું 100% એફર્ટ ને 100% ડેડિકેશન સ્ટુડન્ટ્સ માટે છે જે આ રિઝલ્ટ પ્રોડ્યુસ કરી શકે। આપણે અહીંયા ઘડી ગયા વર્ષે કોરોનાને કારણે 2-3 મહિના આપણે ઓનલાઈન ભણાવ્યું અને ત્યારબાદ ઓફલાઈન કર્યું, ઓનલાઈનમાં પણ આપણે છોકરાઓને શું સુવિધા પૂરી પાડતા હતા? ઓનલાઈન ક્લાસીસ લાઈક ઝૂમ મીટિંગ્સ પર હતી અને ક્લાસીસમાં બધું જે ટીચર્સને રિક્વાયરમેન્ટ હતી એઝ ઇન પ્રોપર એજ્યુકેશન આપી શકે એ બધું આપણે ફૂલફિલ કર્યું।
પણ આ વસ્તુ છે કે ઓફલાઈનથી જયારે ઓનલાઈન ચેન્જ થાય અને જે ટીચર્સને એડજસ્ટ કરવું પડે અને જે ડેડિકેશનથી એમને એડજસ્ટ કર્યું અને જે ડેડિકેશનથી એમને એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કર્યું, સો હેટ્સ ઓફ ટુ ધેમ. અને ટીચર્સની મહેનત છે અને સ્ટુડન્ટ્સનું એક્સેપ્ટન્સ છે જેના વજહથી આપણું ઓનલાઈન સક્સેસફુલ હતું.